हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिमोट डेस्कटॉप, जो कि है विंडो 10 और विंडो 7 के बीच में। हम आपको सिखाएंगे कि रिमोट डेस्कटॉप की जो सेटिंग्स हैं, रिमोट डेस्कटॉप आप किस तरीके से विंडो 7 और विंडो 10 के अंदर एक्सेस कर सकते हैं और रिमोट डेस्कटॉप होता क्या है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सर्च नहीं किया है तो आप अपने यूट्यूब पर जाएं और वहां पर आप हमारा नाम डालें तो आपको सबसे फ्रंट में हमारा यूट्यूब चैनल दिखाई देगा। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं अपने टॉपिक पर, रिमोट डेस्कटॉप। तो दोस्तों, रिमोट डेस्कटॉप होता क्या है? तो सबसे पहले तो जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, रिमोट रिमोट मतलब दूर रखी हुई कोई चीज़। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिएगा कि हमारे पास यहाँ पर एक कंप्यूटर रखा है जो कि हमसे 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर या 10 किलोमीटर या 100 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर की दूरी पर है, और उसी के साथ यहाँ पर हमारे पास एक दूसरा कंप्यूटर भी रखा हुआ है। तो दोस्तों, इन दोनों कंप्यूटर ये जो बहुत दूरी पर रखे हुए हैं, मान लीजिएगा ये कंप्यूटर 1 है और ये कंप्यूटर 2 है। तो दोस्तों, अगर कंप्यूटर 1 में कोई भी प्रॉब्लम है जो कि आप देख सकते हैं, या आप कंप्यूटर 2 पे बैठ के उस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं, तो आप जो है कंप्यूटर 1 के पास आपको जाना पड़ेगा। लेकिन ऐसा मान लीजिएगा दोस्तों कि कंप्यूटर 1 की जो दूरी है वो आपके यहाँ से 100 किलोमीटर है, तो क्या आप वहाँ पर जाएंगे? 100 किलोमीटर आप जाएंगे? लेकिन दोस्तों, प्रॉब्लम किस टाइप की है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई सॉफ्टवेयर है जो काम नहीं कर रहा है, या कोई आपका फ्रेंड है वो कोई प्रोजेक्ट बना रहा है, उसको प्रोजेक्ट में कोई दिक्कत आ रही है, आप उसकी हेल्प करना चाहते हैं। तो दोस्तों, आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर आप बैठ के PC2 पर बैठ के आप इस कंप्यूटर का जो डेस्कटॉप है उसको शेयर कर सकते हैं। इसका पूरा डेस्कटॉप आपके पास आ जाएगा और आप उसके अंदर जो भी चेंज करना चाहेंगे वो आप यहाँ से बैठ के चेंज कर सकते हैं वाया रिमोट डेस्कटॉप। तो रिमोट डेस्कटॉप के लिए क्या क्या चीज़ें नीडेड हैं, सबसे पहले वो जान लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इन दोनों कंप्यूटर के बीच में रिमोट सेटिंग्स से कंप्यूटर एक्सेस करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो इन दोनों कंप्यूटर के बीच में कनेक्टिविटी होनी चाहिए। मीन्स इसके पास भी अपना एक आईपी एड्रेस होना चाहिए और इस कंप्यूटर के पास भी अपना एक आईपी एड्रेस होना चाहिए। उसके बाद आप यहाँ पर पिंग कमांड के थ्रू दोनों की कनेक्टिविटी चेक करेंगे कि दोनों कंप्यूटर की जो एक दूसरे से कनेक्टिविटी है वो बन पा रही है या नहीं बन पा रही है। उसके बाद ही आप रिमोट डेस्कटॉप की सेटिंग्स कर सकते हैं और रिमोट डेस्कटॉप के थ्रू दूसरे कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं अपने कंप्यूटर्स पर। तो हमारी जो यहाँ पर दो कंप्यूटर्स हैं हमारे पास, एक जो है विंडो 10 है, ये विंडो 10 है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं इसका आईपी एड्रेस चेक कर लेता हूँ। तो आईपी एड्रेस चेक करने के लिए दोस्तों मेरे को रन में जाना होगा। तो रन कैसा आता है, विंडोज और आर का की आप दबाएंगे, विंडोज प्लस आर आप दबाएंगे तो रन आ जाएगा। रन में आपने CMD डाला, एंटर किया, तो देखिए दोस्तों CMD आपके सामने ओपन हो गया। अब आप यहाँ पर दोस्तों अगर आईपी कॉन्फिग लिख के एंटर करते हैं तो आपके कंप्यूटर का क्या आईपी एड्रेस है वो आपको दिख जाएगा। तो जैसे हमारे पास यहाँ पर हमारे कंप्यूटर का जो आईपी एड्रेस है वो 10.0.0.2 है, इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर एक विंडो 7 है। हम विंडो 7 का आईपी एड्रेस चेक कर लेते हैं। तो हम यहाँ से स्टार्ट बटन में जाते हैं, यहाँ पर रन लिखते हैं, देखिए सबसे ऊपर रन आ गया। हम रन को क्लिक करते हैं, हम CMD पर जाते हैं और यहाँ से भी हम इसका आईपी एड्रेस जो है वो चेक कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका जो आईपी एड्रेस है वो 10 की रेंज का 1 है। अब हम पिंग करेंगे विंडो 10 से, तो पिंग स्पेस 10.0.0.2 जो कि कंप्यूटर विंडोज 10 का आईपी एड्रेस है हमने डाला। तो देखिए दोस्तों, रिप्लाई वाले मैसेज आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमारा विंडो 10 से कम्युनिकेट कर रहा है। इसी तरीके से हम विंडो 10 में जाएंगे और यहाँ से विंडो 7 की जो कनेक्टिविटी है उसे चेक करेंगे। विंडो 7 का जो आईपी एड्रेस है वो 1 है, हमने एंटर किया, तो देखिए यहाँ भी हमारे पास वो मैसेज आ रहे हैं। अब यहाँ से दोस्तों, हमने जो है वो रिमोट डेस्कटॉप की जो सर्विस है वो डिफॉल्ट डिसेबल होती है, उसे हमें इनेबल करवाना है। तो दोस्तों, विंडो रिमोट डेस्कटॉप की सेटिंग को इनेबल कराने के लिए हमारे पास डेस्कटॉप पे जो दिस PC का आइकन आ रहा है, इसको राइट क्लिक करके हमने इसकी प्रॉपर्टी जाना होगा। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे रिमोट सेटिंग, आपको ऑप्शन मिल रहा है, आप रिमोट सेटिंग पर ओके करें। यहाँ से देखें आपको दोस्तों अलाउ रिमोट कनेक्शन टू दिस कंप्यूटर, इसको आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ से आपने अप्लाई करके ओके कर देना है। इसी टाइप से दोस्तों आपने जो है वो विंडो 7 के अंदर जाना है और विंडो 7 के डेस्कटॉप पे जो आपको आइकन दिख रहा है ये कंप्यूटर का, इस पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी जाना है, रिमोट सेटिंग पे जाना है और अलाउ कनेक्शन फ्रॉम कंप्यूटर रनिंग एनी वर्जन रिमोट डेस्कटॉप, इसको सिलेक्ट करके आपने अप्लाई और ओके कर देना है। अब दोस्तों, आपने फिर से विंडो 10 पर जाना है। अब हम विंडो 7 के डेस्कटॉप को यहाँ पर उठा के देखना चाहते हैं, उसके अंदर कोई भी वर्क करना चाहते हैं,
तो एक बार मैं आपको विंडो 7 को दिखा देता हूँ। देखो दोस्तों, इसके डेस्कटॉप पर कुछ भी नहीं है। तो मैं विंडो 10 पर चलता हूँ और यहाँ से एक बार मैं रन में जाता हूँ, और रन में दोस्तों मेरे को यहाँ पर जो है ना वो MSTSC ये कमांड मेरे को MSTSC मेरे को ये कमांड टाइप करनी पड़ेगी। मैं यहाँ पर आपको रन में लिख के भी दिखा देता हूँ, एक फाइल में मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ जी मैंने क्या लिखा है, ताकि आप, मैंने लिखा है MSTSC। तो ये कमांड आपको जो ना अपने रन में लिखनी है। जैसे आप ये कमांड रन में लिख के एंटर करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आपके सामने एक ये कंप्यूटर नाम का एक अपीयर हो जाएगा। यहाँ पर आपने जिस कंप्यूटर का रिमोट डेस्कटॉप आपने एक्सेस करना है, आप उसका यहाँ पर आईपी एड्रेस डालेंगे। तो मैंने विंडो 7 का यहाँ पर आईपी एड्रेस डाला और कनेक्ट का बटन दबाया। तो देखिए अभी यहाँ पर मेरे को जो ना एडमिनिस्ट्रेटर मीन्स विंडो 7 के एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड मांग रहा है। अगर दोस्तों यहाँ पर कोई यूजर नेम नहीं आए तो आपने क्या करना है, यूजर अनदर अकाउंट पे जाके विंडो 7 का जो यूजर है उसका नाम डालना है। जैसे कि उसका जो यूजर है वो एडमिनिस्ट्रेटर है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखो एडमिनिस्ट्रेटर है, या आप यहाँ पर क्लिक करके भी देख सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटर है। उसके बाद दोस्तों आपने नीचे यहाँ पर उसका पासवर्ड डालना है, जो भी विंडो 7 का पासवर्ड है, और आपने ओके कर देना है। उसके बाद आपसे यस एंड नो पूछा जाएगा, आप यस कर दीजिएगा यहाँ पर। तो देखिए इसने इस तरीके से यहाँ से जो है वो विंडो 7 का जो डेस्कटॉप है वो आपके सामने आ गया है। तो ऊपर देखो दोस्तों आपको ये लाइन भी यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये आपको आईपी एड्रेस भी दिखा रहा है विंडो 7 का। अगर आप इसको यहाँ से मिनिमाइज कर देते हैं तो देखिए ये हमारी विंडो 10 आ गई, और यहाँ से मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये हमारी विंडो 7 आ गई। दोस्तों जब इसका रिमोट डेस्कटॉप उठा होगा तो जो दूसरी साइड हमारी विंडो 7 है वो लॉग आउट हो गई होगी। अगर मैं यहाँ से इसको लॉग इन करता हूँ तो हमारा जो कनेक्शन है वो ब्रेक हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों लॉग इन करने से पहले अगर आपको यहाँ पर विंडो 7 में कोई भी वर्क करना है तो आप कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं डेस्कटॉप पे एक फाइल बनाना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पर एक टेक्स्ट फाइल बनाई। अब इस फाइल के अंदर मैं कुछ लिखना चाहता हूँ, तो मैं इसका थोड़ा सा फॉन्ट एक बार बड़ा कर लेता हूँ ताकि आप सभी लोगों को दिखाई दे कि मैं क्या लिख रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों मैंने यहाँ पर लिखा हेलो, मैंने अपने चैनल का नाम लिखा। अब दोस्तों चलिए मैं विंडो 7 पर एक बार चलता हूँ, मैं विंडो 7 पर चलता हूँ दोस्तों, और यहाँ से मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ अपने यूजर को। तो मैं देखूंगा जी वहाँ पर जो मैंने फाइल में एडिट किया है वो, देखिए फाइल यहाँ पर मेरे को दिखनी चाहिए। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि वो फाइल आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ पर दिख रही है। अब दोस्तों अगर मैंने यहाँ पर लॉगिन कर लिया है तो विंडो 10 के अंदर से जो हमारा कनेक्शन है, देखिए योर रिमोट सेशन हैज बीन एंडेड, तो आपका जो रिमोट सेशन है वो एंड हो चुका है क्योंकि आपने विंडो 7 को लॉगिन कर लिया है। तो मैं इसको ओके करता हूँ, तो देखिए मैं अपनी विंडो 10 पर लौट के आ गया। तो दोस्तों इस तरीके से जो है वो आप विंडो 7 का जो डेस्कटॉप है वो विंडो 10 पर एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरीके से आप दोस्तों अगर विंडो 10 का रिमोट डेस्कटॉप लेना चाहते हैं विंडो 7 पर, तो आप विंडो 7 पर जाएं, यहाँ पर आप रन खोलें और उसमें आप MSTSC वाली कमांड डालें जो कि मैंने आपको बताई थी। यहाँ पर आप विंडो 10 का आईपी एड्रेस डालें और एंटर करें। यहाँ पर उसके अदर यूजर में जाके उसके यूजर का नाम दें ADMINISTRATOR, और यहाँ पर उसका पासवर्ड दें, एंटर करें। तो देखिए दोस्तों यहाँ से जो है ना इस तरीके से आप विंडो 10 का जो रिमोट डेस्कटॉप है वो अपनी विंडो 7 पर भी ले सकते हैं और उसके अंदर जो चाहें वो आप वर्क कर सकते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा टाइम लगा रहा था, हमने यस का ऑप्शन आ गया, यस किया। तो देखिए दोस्तों विंडो 10 का जो रिमोट डेस्कटॉप है वो यहाँ पर हमें मिल गया। विंडो 10 में यूटिलिटी खुली हुई थी, हमने एक फाइल बनाई थी, चलिए इसके अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं। हमने लिखा हेलो MSTSC, हमने वो वाली कमांड लिख दी। अब देखिए मैं इसको यहाँ से मिनिमाइज करता हूँ तो ये मेरी विंडो 7 है, पीछे वाली जो है मैं इसको ओपन कर देता हूँ तो मेरी विंडो 10 है। अब चलिए दोस्तों मैं अपनी मेन विंडो 10 पर चलता हूँ, ये मेरी विंडो 10 है जो कि लॉग आउट है। मैं इसको यहाँ से पासवर्ड डाल देता हूँ इसके यूजर में, मैंने एंटर किया। तो देखिए दोस्तों जो फाइल मैंने विंडो 7 से यहाँ पर एडिट की थी वो आपको यहाँ पर दिख रही है। अब विंडो 7 से जो इसका कनेक्शन है वो ब्रेक हो चुका होगा। तो इस टाइप से दोस्तों आप अपने विंडो 10 और विंडो 7 के अंदर जो है वो रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन का यूज कर सकते हैं। इस टाइप से आप किसी भी कंप्यूटर पर बैठ के एक्सेस कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपने दोस्तों सीखा जी हम विंडो 10 टू विंडो 7 रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन का कैसे यूज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।